जो ये लड़के आजकल बाइक पर चलते हैं और पूरी हवाबाजी करते हैं, आप देखो किस प्रकार ये तीन भाई बैठे हैं और मोटरसाइकिल चला रहे हैं, किस प्रकार ये हवा पिछला भाई बंदा खड़ा होकर क्या करने की कोशिश कर रहा है पता ही नहीं चल रहा। जिस प्रकार की हवाबाजी करते हैं ये सोचते हैं कि हमें लड़कियां देख रही हैं, या हम हीरो दिख रहे हैं लोगों को, या लोग हमें देख रहे हैं। इन तीनों में से कुछ भी नहीं है मेरे भाई। सामने जाने वाला आपको बोलेगा पागल तो है, इतना तो बोलेगा भाई कि ये पागल हो लिया, ये बोलेगा ही बोलेगा भाई ये तो पागल हो लिया। मेरे भाई ये हकीकत आप अपने बुद्धि से सोचो, मेरे भाई आप अपनी बुद्धि से सोचो। आप पैदल पैदल चल रहे हो और सामने से तीन चार लड़के आए और मोटरसाइकिल को बेतरतीब चला रहे हो, बेतरतीब, आप क्या बोलोगे? पागल बोलोगे ना? अपने मन से सोच लो। तो भाई जिस प्रकार आप उनको पागल बोलोगे, ठीक इसी प्रकार जब आप उस गाड़ी को बैठ के अपनी मोटरसाइकिल को टिंडी मिंडी भगा रहे हो और उल्टे सीधे काम कर रहे हो, लड़की की चवाई भगा रहे हो, तो वो आपको क्या सोचेंगे? पागल सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। तो इसको इसी प्रकार समझो मेरे भाई, जब आप दूसरे को पागल समझोगे तो वो दूसरा भी तो मेरे भाई आपको पागल ही समझेगा, समझेगा नहीं समझेगा। तो बाइक को तरीके से चलाओ। और भाई देखो आप घर से निकले हो तो आपके माँ बाप, आपके सगे संबंधी, सगे संबंधी छोड़ दो, माँ बाप तो आपकी प्रतीक्षा करते ही करते हैं, और आप घर से ऐसे निकल रहे हो, 15-20 साल लगते हैं मेरे भाई माँ बाप को आपको पाल पोष कर बड़ा करने में, और आप 15-20 सेकंड नहीं लगाते उस शरीर को लाश के ढेर होने में, लगाते नहीं ना मेरे भाई। 15-20 साल, 25 साल लगते हैं माँ बाप को पाल कर बड़ा करने में, आप 15-20 सेकंड, 25 सेकंड नहीं लगाते अपने शरीर को लाश का ढेर बनाने में। तो भाई क्यों इतना गलत कार्य आप करते हो, क्यों हवाबाजी करते हो? नॉर्मल चलाओ मेरे भाई मोटरसाइकिल। और मैं ऐसे माँ बाप को कहना चाहूँगा कि बच्चों को जल्दी जल्दी कम उम्र में मोटरसाइकिल मत दो, ये हवाबाजी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, आपको दुख दर्द देंगे बस। तो आप कृपया करके इनको मोटरसाइकिल ना दें।